हेलो माय डियर स्टूडेंट माय सेल्फ पुष्पेन मेंटर ऑफ मैथमेटिक्स टुडे आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग क्लासेस टुडे आई टीच यू फॉर वी इन सेकंड वीडियोस टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज़ का आज हम ए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से इसके पहले मैंने आपको यंथ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताया था यंथ टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी वेयर ए इज इक्वल फर्स्ट टर्म डी इज इक्वल कॉमन डिफरेंस एन एन इज इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स तो आइए उसी कॉन्सेप्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्लास इलेवेंथ पूछे जाते हैं उसी को सॉल्व कराते हैं एक्सरसाइज नाइन पॉइंट टू एन सी आर टी में गिवेन है क्वेश्चन तो अमूमन जितने भी आज क्वेश्चन लगवाए जाएंगे सब एन सी आर टी पे हैं तो इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में से सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन हैं ठीक है क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखा जा चुका है बोर्ड पर इन एन ए पी इफ पी थर्म इज वन बाई क्यू एंड क्यू थर्म इज वन बाई पी प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स इज वन बाई टू पी क्यू प्लस वन वेर पी नॉट इक्वल क्यू तो आई लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी देन ए पी इज इक्वल वन बाई क्यू means A plus and A plus Q minus one into D is equal one by P subtracting so इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड बी गेट ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी माइनस ए माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल वन बाई क्यू माइनस वन बाई पी तो ए से कैंसिल आउट हुआ डी कॉमन लेते हैं पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन तो यहाँ से वन से वन कैंसिल आउट हमको मिलता है डी ऑफ पी पी माइनस क्यू इज इक्वल पी माइनस क्यू अपन पी क्यू तो ए पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल आउट डी की वैल्यू आती है वन अपन पी क्यू पुट अप द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलता है ए प्लस पी माइनस वन अपान पी क्यू इज इक्वल वन बाई क्यू हम पी माइनस वन अपान पी क्यू को आर एच एस में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमको मिलता है ए की वैल्यू वन बाई क्यू माइनस पी माइनस वन वन पी क्यू आइए एलसीएम लेते हैं होता है पी क्यू से डिवाइड करेंगे पी मिलेगा पी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे पी मिलेगा माइनस पी माइनस पी प्लस वन अपान पी क्यू पी से कैंशी लाओ ए इज इक्वल वन अपान पी क्यू यहाँ पर डी की वैल्यू आई थी वन अपान पी क्यू और ए की भी वैल्यू आ गई वन अपान पी क्यू हमको प्रूव करना है यस आफ पी क्यू इज इक्वल टू प्रूव यस ऑफ पी क्यू इज इक्वल वन बाई टू पी क्यू प्लस वन तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई अगर हमको ए पी गिवेन होती है तो उसके एन टर्म्स का जो सम होता है वो होता है एस एन इज इक्वल एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस एस एन इज इक्वल एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो यहाँ एन की वैल्यू पी क्यू है और ए की वैल्यू वन अपान पी क्यू है डी की वैल्यू भी वन अपान पी क्यू है पुटअप करेंगे हमको यस पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी वन बाई पी प्लस पी क्यू प्लस वन तो यहाँ पर आपका बोर्ड भर चुका है तो हम यहाँ आगे खुरीज कर देते हैं देखिए हमको मिलता है यस पी क्यू इज इक्वल पी क्यू बाई टू टू ए ए की वैल्यू है वन अपान पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू वन अपान पी क्यू तो यहाँ से मिलता है यस पी क्यू इज इक्वल पी क्यू बाई टू टू अपान पी क्यू यहाँ से मिलता है यस पी क्यू इज इक्वल पी क्यू बाई टू टू प्लस पी क्यू माइनस वन बाई पी क्यू पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट हमको फाइनली मिलता है यस पी क्यू इज इक्वल पी क्यू प्लस वन बाई टू मीन्स यस पी क्यू इज इक्वल वन बाई टू पी क्यू प्लस वन इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये प्रूव हुआ बाहर उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत इजीली से समझ में आया होगा समझ में आ रहा है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस सोल्यूशन को इजीली सोलूशन को शेयर करें जिससे क्लास इलेवंथ के अदर स्टूडेंट को भी इस सोलूशन का फ़ायदा मिले उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए नोट्स में लिख लीजिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्लीज़ नोट डाउन इट डियर स्टूडेंट अभी आपने पहला क्वेश्चन लगाया ए पी के यंथ टर्म पे बेस्ड था वहाँ से ए और डी की वैल्यू को फाइंड किया फिर उसमें एसन फार्मूले का यूज़ करके मीन्स सम ऑफ़ यंथ टर्म ऑफ ए पी का यूज करके उसमें यस पी क्यू की वैल्यू हमने फाइंड की जो आया वन बाई टू पी क्यू प्लस वन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दो टर्म्स का स्पेशल सम दिया गया है जो कि इक्वल है और एक थर्ड सम के इक्वल कुछ प्रूव करना है या हमको बताना है कि मतलब उसकी वैल्यू करनी है क्या होता है इसमें क्या है गिवन है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द sum of the first q terms, then find the sum of the first p plus q terms. According to question, let A and D are first term and common difference ऑफ एन ए पी देन ड्यू टू क्वेश्चन क्वेश्चन में कह रहा है कि यस पी इज इक्वल यस क्यू आपको पता सॉरी <coughs> oh, आपको पता है एस एन इज इक्वल एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो उसके बेस पे हो जाएगा पी बाई टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल q by 2, 2a plus q minus 1 into d. तो so, by 2 by 2 कैंसिल हो गया तो so, यहाँ से हमको मिलता है 2ap plus पी प्लस पी पी माइनस वन डी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस हम इसको पी ऑफ पी माइनस वन इंटू डी को आर एच एस में ट्रांसफ़र करेंगे टू ए क्यू को एल एच एस में तो हमको मिलता है टू ए पी माइनस टू ए क्यू इज इक्वल क्यू क्यू माइनस वन इंटू डी माइनस पी पी माइनस वन इंटू डी तो टू ए यहाँ कॉमन होगा तो मिलेगा पी माइनस क्यू टू इज इक्वल डी कॉमन कर लो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी तो यहाँ से मिलेगा पी माइनस क्यू इंटू टू ए इज इक्वल डी ध्यान दीजिए तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी तो यहाँ से हमको मिलेगा पी माइनस क्यू इंटू टू एक्वल डी क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी माइनस क्यू माइनस पी तो यहाँ अगर हम माइनस कामन लेंगे तो ये हो जाएगा क्यू माइनस पी इंटू टू एज इक्वल डी क्यू माइनस पी दोनों में दोनों टर्म्स में कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी माइनस वन तो क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी कैंसिल तो यहाँ से टू ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी पी प्लस क्यू माइनस वन आई होप इतना आपको समझ में आया होगा रिलेशन अब इसके आगे हम हमको फाइंड करना है यस पी प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ ए और डी में इस कंडीशन से यस पी इज इक्वल यस क्यू से हम ए और डी में एक रिलेशन निकाले हैं जिसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे हमको निकालना है वैल्यू एस पी प्लस क्यू स पी प्लस क्यू बाई टू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इं टू डी तो टू ए की वैल्यू यहाँ आई है माइनस डी ऑफ पी प्लस क्यू बाई टू माइनस डी ऑफ पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी यहाँ से डी डी कॉमन हो जाएगा तो मिलेगा p प्लस क्यू बाई टू इंटू डी माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन प्लस पी माइनस प्लस क्यू माइनस वन मीन्स p से p कैंसिल q से q कैंसिल वन से वन कैंसिल तो हो गया p प्लस क्यू बाई टू इंटू डी इंटू ज़ीरो दैट इज़ ज़ीरो हमारा फाइनली आंसर पहुंचता है आता है यस पी प्लस क्यू इज़ इक्वल जीरो मतलब अगर किसी भी ए पी के पीथ टर्म और क्यूथ टर्म का सम इक्वल हो तो उसी ए पी का पी प्लस क्यूथ टर्म का जो सम होगा वो जीरो होगा आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझ में आ रहा हो तो इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्लीज़ नोट डाउन इट डियर स्टूडेंट अभी आपने दो क्वेश्चन सॉल्व किया अब आपके सामने बोर्ड पर तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है दसम्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेसन आर इन द रेशियो फाइव फाइव एन प्लस नाइन रेशियो नाइन एन प्लस सिक्स फाइंड द रेशियो ऑफ दियर एटीन टर्म तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन से कुछ वैल्यू को कोवेल्युएट कर लेते हैं फिर उस कंडी जो हमको रिजल्ट मिलता है उसी में कुछ ऐसा पुटअप करेंगे जिससे हमको दोनों गिवन ए पी के एटींथ टर्म की वैल्यू आ जाए कुछ न कुछ आइए देखते हैं सॉल्यूशन की ओर लिखेंगे लेट ए वन एंड डी वन आर द आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ Of the first AP and A two and D two are the first term and common difference. ऑफ सेकेंड एपी ओके तो यहां पर गिवे ने बेटा की जो ए पी दी गई हैं उनकी यंथ टर्म्स का जो सम है वो फाइव एन प्लस नाइन रिशो नाइन एन प्लस सिक्स है मीन्स यशियन अपॉन एसियन डैश इज इक्वल फाइव एन प्लस नाइन अपॉन नाइन एन प्लस सिक्स मीन्स आपको बता देते हैं यस एन जो है फर्स्ट ए पी का यंथ टर्म कसम है एस एन डैश जो है वो सेकेंड ए पी का यंथ टर्म्स कासम है ठीक है आइए हम इवेलुएट करें आगे ये हो जाएगा एन बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी वन अपॉन एन बाई टू टू ए टू प्लस एन माइनस वन डी टू इज इक्वल फाइव एन प्लस नाइन अपॉन नाइन एन प्लस सिक्स तो एन बाई टू एन बाई टू कैंसिल हो गया तो मिलता है हमको फाइनली टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी वन अपॉन टू ए टू एन माइनस वन डी टू इज़ इक्वल फाइव एन प्लस नाइन नाइन एन प्लस सिक्स तो हमको फाइंड करना है दोनों ए पी के एटींथ टर्म्स का रेशियो ठीक है तो यहाँ पर रेशियो में होता है फार्मूला किसी भी ए पी के यंथ टर्म्स कांथ यं, टर्म्स की जो वैल्यू होती है वो होती है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो हम यहाँ टू से डिवाइड कर देंगे या टू कामन ले लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमको मिलता है ए वन प्लस एन माइनस वन बाई टू डी वन अपॉन टू ए टू प्लस एन वन एन माइनस वन बाई टू डी टू इज इक्वल फाइव एन प्लस नाइन अपान नाइन एन प्लस सिक्स ए टू टू कैंसिल आउट हुआ डी वन अपान ए टू प्लस एन माइनस वन बाई टू डी टू इज इक्वल फाइव एन प्लस नाइन अपान नाइन एन प्लस सिक्स ध्यान दीजिए हमको फाइंड करना है एंथ टर्म्स का रेशियो मीन्स एटीन टर्म्स होता है ए प्लस सेवेंटीन डी तो यहाँ पर डी का जो कॉफिशियंट होना चाहिए वो सेवनटीन होना चाहिए पुट एन माइनस वन बाई टू इज इक्वल सेवेंटीन तो यहाँ एन माइनस वन इज इक्वल थर्टी फोर तो यन की वैल्यू जो आती है थर्टी फोर प्लस वन इज इक्वल थर्टी फाइव आई होप यहाँ तक आपको स्टेप बाय स्टेप इजीली समझ में आ रहा है तो आगे ध्यान दीजिए हम दोनों साइड में एल एच एस और आर एच एस में यन की वैल्यू थर्टी फाइव रखेंगे देखते हैं क्या मिलता है तो मिलता है ए वन प्लस थर्टी फाइव माइनस वन मीन थर्टी फोर बाई टू सेवनटीन डी वन ए टू प्लस सेवनटीन डी टू इज इक्वल फाइव इन टू थर्टी फाइव प्लस वन अपान सॉरी नाइन है यहाँ वन नहीं नाइन होगा और नाइन इंटू थर्टी फाइव प्लस सिक्स तो हम इसको लिख सकते हैं एटीन अपान एटीन डैश मीन्स ए एटीन होता है एटीनथ टर्म ऑफ फर्स्ट ए पी एंड ए एटीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एटीनथ टर्म ऑफ सेकेंड ए पी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वैल्यू होगी फाइव फाइव 25 ट्वेंटी फाइव से वन सेवेंटी फाइव प्लस नाइन नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव फोर नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन फोर थर्टी वन प्लस सिक्स मीन्स हमको मिलेगा ए एटीन अपन ए एटीन डैश इज इक्वल वन एटी फोर अपान थ्री ट्वेंटी वन यही फाइनली आंसर होगा आई होप स्टेप बाय स्टेप बहुत इजीली आपको समझ में आया है तो समझ में आ रहा है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें उसके बाद बी सॉल्यूशन को नोट डाउन करके फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं प्लीज़ नोट डाउन इट डियर स्टूडेंट आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो सीधे आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है और ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है तो इसके कैलकुलेशन को आप बहुत बारीकी से देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप कंसंट्रेट होकर समझेंगे जिससे आप एग्जाम एक, में आसानी से सॉल्व कर लें आइए देखते हैं सोल्यूशन इसमें क्वेश्चन में कह रहा है बेटा सम ऑफ फर्स्ट पी पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी मतलब कि किसी भी ए पी के फर्स्ट पी टर्म्स का जो सम है ए है फर्स्ट क्यू टर्म्स का जो सम है वो बी है फर्स्ट आर टर्म्स का जो सम है वो स्माल सी है रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट ए बाई पी इंटू Q minus R plus B by Q into R minus P plus C by R into P minus Q is equal zero. Let capital A and a small D are the first terms and first term and common difference. एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी ड्यू क्वेश्चन एस पी इज इक्वल ए मीन्स एस एन की वैल्यू होती है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसको हम लिख लेंगे पी बाई टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल ए क्योंकि प्रूव करने वाले में एल में ए बाई पी आया है तो हम इसको लिख सकते हैं वन बाई टू टू ए प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल ए बाई पी हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं वन बाई टू इंटू टू ए मीन्स ए प्लस पी माइनस वन बाई टू D इज इक्वल ए बाई पी इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए ऐसे आएगा हमारा यस क्यू इज इक्वल बी क्यू बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल बी यहाँ से मिलेगा वन बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन बी बाई क्यू ए प्लस क्यू माइनस वन बाई टू डी इज इक्वल बी बाई क्यू आपका सेकेंड इक्वेशन होगा एंड यस आर इज इक्वल सी आर बाई टू टू ए प्लस आर माइनस वन इन डी इज इक्वल सी यहाँ से मिलेगा वन बाई टू टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल सी बाई आर तो इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे ए प्लस आर माइनस वन बाई टू डी इज इक्वल सी बाई आर ये होगा इक्वेशन थर्ड हमको प्रूव करना है ए बाई पी क्यू माइनस आर आइए एल एच एस में चलते हैं ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू ए बाई पी की वैल्यू होती है इक्वेशन फर्स्ट से ए प्लस पी माइनस वन बाई टू डी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू की वैल्यू होती है ए प्लस क्यू माइनस वन बाई टू डी आर माइनस पी प्लस ए प्लस आर माइनस वन बाई टू डी पी माइनस क्यू तो अब ये मल्टीप्लाई आप करते चले आइए मिलेगा ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस वन क्यू माइनस आर बाई टू डी प्लस ए आर माइनस पी प्लस q minus वन r minus p by टू डी प्लस ए पी माइनस क्यू प्लस आप यहाँ नीचे लिख लीजिए r minus वन डी तो हम ए वाले टर्म्स को हम एक साथ कर लेते हैं ये तीनों इन तीनों में एक कामन होगा तो इसको एक साथ कर लेते हैं आएगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू तो इसको आप इरेज कर दीजिए अब यहाँ पे कॉमन आता है बेटा डी बाई टू पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू यहाँ से ए क्यू सब कैंसिल आउट होते चले जा रहे हैं तो ए इंटू ज़ीरो प्लस डी बाई टू यहाँ से हो जाएगा पी क्यू माइनस क्यू प्लस आर माइनस पी आर अब यहाँ से हो जाएगा क्यू आर माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू क्यू से Q क्यू कैंसिल क्यू आर से क्यू e आर कैंसिल पी से ए पी कैंसिल यहाँ है पी आर से ए पी आर कैंसिल पी क्यू से और ए आर सी आर कैंसिल मीन्स ज़ीरो प्लस डी बाई टू इंटू जीरो मीन्स जीरो प्लस ज़ीरो दैट इज़ जीरो यही होगा आर एच जो हमको प्रूव करना था तो आई होप आपको ये स्टेप बाय स्टेप बहुत इजीली समझ में आया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये सीधे आपके क्लास एलेवेंथ में एनुअल एग्जाम में या हाफ ईयरली एग्जाम में सीधे फोर मार्क्स में या सिक्स मार्क्स में पूछा जाता है तो इसको आप एक बार नोट्स बना लीजिए वीडियो को पॉज करके उसके बाद रफ पे दो तीन बार प्रैक्टिस कर लीजिए हमेशा के लिए मेंटेन हो जाएगा अगर मेंटेन कर लेंगे अपने माइंड में इसको तो एग्जाम में इसको इजीली से कर पाएंगे आज का सेशन इसी क्वेश्चन पे लास्ट करते हैं फिर हम नए सेशन में मिलेंगे एक अच्छे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो